तो चलिए आज बनाते हैं क्विक एंड इजी रेसिपी इंस्टेंट इडली की। तो ये बहुत स्पॉन्जी इडली बनती है और बगैर फर्मेंटेशन के आधे घंटे में तो इडली भिगो के और रेडी भी हो जाती है। तो ये आप झटपट बनाना चाहते हो तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, जीन रेसिपी है। तो इसके लिए हम लेंगे नॉर्मल सूजी 1.5 कप और 1.5 कप ही दही लेंगे हम। और इसके बाद में इसका एक बैटर बना लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करके इसमें सूजी मिला लेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। थोड़ा सा नमक भी पहले ही डाल देंगे। ये इडली स्टीमर मैंने रेडी कर दिया था और इनो ले लिया है मैंने, और ये सूजी एकदम भीग गई है और पानी है। इडली के सांचों को हम ग्रीस कर लेंगे घी से। स्टीमर में जब एकदम पानी घोलने लग जाए उसके बाद में हम इसमें इनो ऐड करेंगे। पहले इनो ऐड मत कीजिएगा। और इसमें मैंने 6 टेबल स्पून पानी डाला है और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और तुरंत हमें इसे स्टीमर में चढ़ाना है इडली मोल में डाल के। इसको हम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और हमारी इडली रेडी है इन नो टाइम। चाकू या टूथपिक क्लीन निकल रही है यानी कि हमारी इडली रेडी है। इसके ऊपर घी लगा लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अच्छे से कुक हुई है इसलिए हर इडली एकदम क्लीन से निकलेगी। इट्स रेडी।